यंग टीम इंडिया को जिम्बाब्वे के खिलाफ फर्स्ट T20 में एक बहुत ही बुरी हार का सामना करना पड़ा। 116 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए यंग टीम इंडिया 102 रन पे ऑल आउट हो जाती है, 13 रन से मुकाबला हार जाती है। मतलब हारने का कारण क्योंकि अभिषेक शर्मा, गिल भाई साहब, ऋतुराज गायकवाड़ भाई साहब, रिंकू सिंह भाई, रिंकू सिंह को हर कोई चाहता था कि T20 वर्ल्ड कप 2024 की टीम में हिस्सा हो। रियान पराग भाई साहब का तो कॉम्पिडेंस है या और कॉम्पिडेंस है या अहंकार है, मैं नहीं जानना चाहता। रियान पराग का कहना था कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के शुरू होने से पहले रियान पराग ने यह कहा था कि मैं T20 वर्ल्ड कप 2024 नहीं देखूंगा क्योंकि मैं टीम इंडिया के स्क्वाड का हिस्सा नहीं हूं, मैं जब टीम इंडिया की स्क्वाड का हिस्सा होऊंगा तभी वो मुकाबले में देखूंगा। भाई साहब रियान पराग भाई साहब आप थे ना हिस्सा, जिम्बाब्वे के खिलाफ फर्स्ट T20 में मात्र 2 रन बना के आप चले गए, जिता देते ना मुकाबला। आप ऐसे तो नहीं कि 180 रन के लक्ष्य का पीछा कर रहे हो फिर आप मारने के चक्कर में आउट हो गए, ये तो आपको 120 गेंदों में 116 रन चाहिए थे। और अभिषेक शर्मा, क्योंकि हार के कारण क्या रहे, हार के तीन सबसे बड़े कारण रहे हैं उस पे मैं आना चाहूंगा। परंतु जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि यार देखो विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, इस यंग टीम इंडिया में वो दम नहीं है, रोहित शर्मा विराट कोहली के बिना ये टीम इंडिया कुछ भी नहीं है। देखो पहली चीज, रोहित शर्मा और विराट कोहली का कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, ना तो होगा ना कोई आएगा जो रोहित शर्मा और विराट कोहली को रिप्लेस कर सकता है। परंतु अब रोहित शर्मा और विराट कोहली से आगे हमें देखना होगा, जरूर एक T20 मुकाबला ही आ रही है परंतु ये यंग टीम इंडिया है, इस पर आप भरोसा रखिए। इनको गालियां मत दीजिए यार, कई लोग गालियां देने लग गए, रिंकू सिंह को गालियां दे रहे हैं, अभिषेक शर्मा को गालियां दे रहे हैं, गिल को गालियां दे, गालियां मत दीजिए यार। सचिन तेंदुलकर के बाद में लोगों ने सोचा था कि यार अब कौन आएगा जो टीम इंडिया को आगे जाके कमान संभालेगा, विराट कोहली आए, रोहित शर्मा आए तो आएंगे, गिल निकलेंगे यहां से, ऋतुराज गायकवाड़ निकलेंगे यहां से, अभिषेक शर्मा यहां से निकलेंगे, तो भरोसा तो रखिए ना। टीम इंडिया की हार का सबसे पहला कारण तो ये रहा, अभिषेक शर्मा ने क्या सोचा। मैं सबसे पहले अभिषेक शर्मा और पूरी टीम इंडिया की बात करना चाहूंगा। अभिषेक शर्मा ने सोचा कि यार जो हम आईपीएल में करते हैं, आईपीएल में 115-16 रन तो हम पावर प्ले में बना देते हैं उसी एक अटैकिंग टेन के साथ। कई बार आपको पिच देखना होता है, कई बार आपको सिचुएशन देखनी होती है और ये पिच वैसी नहीं थी जिसपे आते आप बल्ला घुमाओगे। अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद पे बल्ला घुमाया, दूसरी गेंद पे बल्ला घुमाया, तीसरी गेंद पे बल्ला घुमाया और चौथी गेंद पे बल्ला घुमाते घुमाते लेग साइड में आउट हो जाते हैं। तो अभिषेक शर्मा को ये समझना होगा कि इतना ज़्यादा ओवर हाइट नहीं करना है, हर बॉल पे बल्ला नहीं घुमाना है, सिंगल डबल के साथ भी गेम चलाना है, वो भी जरूरी है। तो अभिषेक शर्मा मेरे हिसाब से सबसे पहले मुजरिम है जिसकी वजह से इंडियन टीम को जिम्बाब्वे के खिलाफ यार फर्स्ट T20 में हार का सामना करना पड़ा है। वो जिम्बाब्वे टीम जो 2024 के T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई भी नहीं करी थी, उस जिम्बाब्वे से टीम इंडिया हार जाती है। इसके अलावा देखो गिल, दूसरा कारण मैं गिल को मान के चलता हूँ, कप्तानी का प्रेशर गिल से हैंडल नहीं हो पा रहा है, ये हकीकत है, ये सच है। चाहे गिल के फैंस मुझे गालियां दे दीजिए, आईपीएल 2024 में आप गिल की कप्तानी देख लीजिए, कप्तानी में ऐसा नजर आ रहा था कि उनके ऊपर प्रेशर नजर आ रहा है और जो कप्तानी का असर था ना वो उनकी बल्लेबाजी पे नजर आ रहा था। अब आप बोल सकते हो कि यार 115 रन ही बने हैं, कप्तानी तो अच्छी करी है, अभिषेक शर्मा से गेंदबाजी करवाना, रवि बिश्नोई से गेंदबाजी करवाना, होशिंगटन सुंदर का इस्तेमाल करना और 115 रन पे जिम्बाब्वे को रोक देना, पर वो बल्लेबाज, आप 29 गेंदे खेल चुके थे, 31 रन आप बना चुके थे, आपको बताया कि सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के मेन बल्लेबाज है, जिम्बाब्वे टीम के मेन गेंदबाज है और मेन बल्लेबाज है, ये दोनों ही मान के चलिए कि ऑलराउंडर खिलाड़ी है। अगर सिकंदर रजा का वो ओवर खेल के निकाल देते, थोड़ा सा सिकंदर रजा को रेस्पेक्ट दे देते, यही होता है मेच्योर खिलाड़ी की निशानी, यही होती है। तो ये गिल साहब पे पूरी तरीके से नजर आ रहा है कि जब जब गिल को कप्तानी दी गई है, 2024 का आईपीएल देख लीजिए, अब टीम इंडिया के खिलाफ फर्स्ट T20 में देख लीजिए, उनकी कप्तानी का जो असर है ना उनकी बल्लेबाजी पे नजर आया है, वो बल्लेबाजी में वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आया जो पहले हम गिल की बल्लेबाजी में देखते थे। इसके अलावा टीम इंडिया की हार के कारण पूरी की पूरी बल्लेबाजी यूनिट, रियान पराग भाई साहब 3 गेंदों में 2 रन बना के जाते हैं, रिंकू सिंह जिसको हर कोई बोल रहा था कि T20 वर्ल्ड कप 2024 टीम का हिस्सा होने चाहिए, और आप आईपीएल में भी रिंकू सिंह का ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं है जिसने तोड़ फोड़ के करके रख दिया, वो आईपीएल 2024 में 0 रन बना के आउट हो जाते हैं। दुर्वे रोल जोरे 14 गेंदे खेलते हैं 6 रन, ऋतुराज गायकवाड़ को लोग बोल रहे थे कि इस T20 सीरीज में कप्तान बनाना चाहिए, वो ऋतुराज गायकवाड़ 9 गेंदों में 7 रन बना के जाते हैं, आईपीएल में टॉप स्कोरर रहते हैं, परंतु जैसे ही टीम इंडिया के खिलाफ मौका मिला, टीम इंडिया से खेलने का मौका मिला, वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाया। तो पूरी की पूरी बल्लेबाजी ने निराश किया है, चाहे अभिषेक शर्मा, शुभम गिल, ऋतुराज गायकवाड़, रियान पराग, रिंकू सिंह, दुर्वे जोरेल, वॉशिंगटन सुंदर ने लास्ट में जाके एक फाइटिंग नो खेली। अरे यार आप आवेश खान से बल्लेबाजी करना सीख जाओ, 12 गेंदों में 16 रन आवेश खान बना के गए हैं यार, शर्म आनी चाहिए इन भारतीय बल्लेबाजों को कि 12 गेंदों में 16 रन आवेश खान बना के चले गए। और दुर्वे जोरे, रिंकू सिंह, रियान पराग, ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा, ये 4-5 खिलाड़ी मिलके ना 16 रन नहीं बना पाए, परंतु
इस मैच का जो इंडिया के लिए सबसे पॉजिटिव साइन रहा है वो वॉशिंगटन सुंदर की बल्लेबाजी, वॉशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी, 2 विकेटें भी ली, 27 रन भी बनाए। हाँ लास्ट में उनके पास मौका था, 2 ओवर में 18 रन ही चाहिए थे, वहाँ पे फिनिश करना चाहिए था वॉशिंगटन सुंदर को, वो वॉशिंगटन सुंदर की गलती है जिसकी वजह से टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा रवि बिश्नोई की आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी, 4 ओवर डाले, 2 मेडन ओवर्स थे, मात्र 13 रन दिए और 4 विकेट लेके गए। तो रवि बिश्नोई की गेंदबाजी और वॉशिंगटन सुंदर का ऑलराउंडर परफॉर्मेंस टीम इंडिया के लिए पॉजिटिव रहा, परंतु भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी है ना उसने पूरी तरीके से टीम इंडिया को निराश किया है। अगले T20 में जो गैप नहीं है, 6 तारीख को फर्स्ट T20 हो चुका है और 7 तारीख को सेकंड T20 मुकाबला खेला जाएगा, तो मतलब 24 घंटे का भी समय नहीं है टीम इंडिया को इस हार से रिकवर होने का। और उम्मीद यही करके चल रहा हूं कि ये भारतीय टीम की बल्लेबाजी और बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ आएगी, क्योंकि ये IPL नहीं है भाई साहब। IPL में आप तोड़फोड़ मचा दोगे, अभिषेक शर्मा, रियान पराग, इनको समझना होगा कि ये IPL नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, यहाँ पे रन बनाना इतना आसान नहीं है, रन कमाए जाते हैं बनाए नहीं जाते। जैसे IPL में फ्लैट विकेटें मिल जाती है, आप मार देते हो 25 गेंदों में 50 मार दिए, 6 ओवर में 100 रन जोड़ दिए, ये IPL नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, यहाँ पे हर रन की कीमत होती है। उम्मीद यही करके चल रहा हूँ कि जिम्बाब्वे फर्स्ट T20 जीती है, परंतु इंडिया इन 5 मैचों की T20 सीरीज को 4-1 से जीते।